हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 जीके कर रहे थे। देखिए क्लास 5 जीके में हमने टर्म 1 का सिलेबस करना स्टार्ट किया था, जिसकी यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर ली थी और यूनिट 2 हम कंप्लीट कर रहे थे, जिसका चैप्टर नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 विच इज ऑन पेज नंबर 14। तो देखो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है इसका नेम क्या है, वुमेन साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, मीन्स वुमेन जो साइंटिस्ट है, जो कि वुमेन है हमारी इंडिया की, उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। इंडिया हैज प्रोड्यूस मैनी वुमेन साइंटिस्ट हू हैव अर्न्ड एकॉलेडेट्स नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो अराउंड द वर्ल्ड, मीन्स इंडिया ने काफी ऐसी वुमेन साइंटिस्ट प्रोड्यूस की हैं जिसने काफी रिस्पेक्ट अर्न की है, ना सिर्फ इंडिया में बाकी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, है ना। उन्हीं कुछ वुमेन साइंटिस्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो साइंटिस्ट है वो है असीमा चैटर्जी, है ना, असीमा चैटर्जी। तो इनका जो फर्स्ट का आंसर है, देखिए फर्स्ट का जो आंसर है ये हमारा एच वाला है, है ना। शी वॉज केमिस्ट, ये केमिस्ट थी। शी डेवलप्ड एंटी एपिलेटिक्स एंड एंटी मलेरिया ड्रग, है ना, तो इन्होंने ये बनाया था। तो फर्स्ट वाला का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एच। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एच, क्लियर। तो ये हो गया हमारा एच, फर्स्ट वाला अच्छे से लिख देता हूँ एक बार एच। इसके बाद आते हम सेकंड वाले पे, जो सेकंड वाला लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा है, डॉक्टर आदिति पंत, है ना, डॉक्टर आदिति पंत। तो इनका जो सेकंड वाला जो आंसर है इनका है ए, है ना, सेकंड का जो आंसर है वो है हमारा ए। तो इसमें क्या लिखा है, सी इज एन ओशियनग्राफर, सी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विजिट एंटार्क्टिका इन 1983 एज अ पार्ट ऑफ इंडियन एक्सपीडिशन टू स्टडी जियोलॉजी एंड ओशियन ऑर्गेफी, ठीक है। तो ये क्या थी, ओशियनोग्राफर थी, है ना, और जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि एंटार्क्टिका में विजिट की थी 1983 में एज अ पार्ट ऑफ इंडियन एक्सपीडिशन, है ना, टू स्टडी जियोलॉजी और ओशियनोग्राफी स्टडी करने के लिए गई थी, तो पहली वुमेन थी, तो डॉक्टर आदिति पंत। आगे देखते हैं थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या है, देखो हमारा इसमें मैं पहले लिख देता हूँ सेकेंड का जो आंसर है वो है हमारा ए, है ना, सेकेंड का ए। थर्ड पे आ जाते हैं, एंटार्क्टिका आपको पता है ना कहाँ पर है, तो मैं थोड़ा सा देखते रहा करो वर्ल्ड का, है ना, तो उसमें देखना एंटार्क्टिका कहाँ है, वहां पे सिर्फ आइस होती है ज्यादातर। आगे देखते हैं थर्ड वाला क्या है हमारा, थर्ड वाले में लिखे हैं तैसी थॉमस, ना, इन्होंने क्या किया है, इसका जो आंसर है बेसिकली वो है हमारा जी वाला। सी इज नोन एज द मिसाइल लेडी ड्यू टू द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल, इनको मिसाइल लेडी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया था अग्नि सीरीज को। ओके, तो एक बहुत बड़ा काम है, मिसाइल्स जो है उनको लॉन्च कर रहे हैं ना, हमारे इंडिया के लिए काफी बड़ी बात है ये। तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड का जी वाला आंसर, थर्ड का जी हो गया। फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ है क्या, कमला सोइनी, है ना, सोनी सोनी, इनका जो है फोर्थ वाले का आंसर ये देखो क्या है हमारा, तो जो फोर्थ का आंसर है ये हमारा डी वाला, क्या है, डी वाला। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव बैग्ड एज पीएचडी डिग्री इन द साइंटिफिक डिसिप्लिन, है ना, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने पीएचडी डिग्री अचीव की थी साइंटिफिक डिसिप्लिन में। शी डिस्कवर्ड दैट एवरी सेल ऑफ अ प्लांट टिश्यू कंटेन द एंजाइम साइटोक्रोम सी, है ना, और इन्होंने डिस्कवर किया था क्या कि जो जितने भी प्लांट टिश्यूज होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, एंजाइम साइटोक्रोम सी। अब ये तो हम नहीं अच्छे से जान सकते कि साइटोक्रोम सी क्या होता है, जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे साइटोक्रोम सी। ओके, तो इसका जो हो जाएगा हमारा फोर्थ का आंसर ये हो जाएगा हमारा क्या, डी, फोर्थ का डी। आते हैं फिफ्थ वाले पे, फिफ्थ वाले में क्या लिखा है, डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, है ना, डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। अब इन्होंने क्या किया था फिफ्थ में, इसका जो आंसर है वो है एफ वाला, कौन सा, एफ। सी डिलीवर्ड इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी एट केईएम हॉस्पिटल ऑन अगस्त 6, 1986। तो इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का सक्सेसफुली डिलीवर्ड किया था, है ना, इंडिया में केईएम हॉस्पिटल अगस्त 6, 1986 में। तो ये जो है हमारी डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, इनका क्या हो जाएगा हमारा क्या, फिफ्थ वाले का आंसर एफ, फिफ्थ का हो गया हमारा एफ, है ना। अब आ जाते हैं हम सिक्स्थ वाले पे, सिक्स्थ
सिक्स्थ में क्या लिखा हुआ है देखो, राजेश्वरी चटर्जी, राजेश्वरी चटर्जी। अब राजेश्वरी जो चटर्जी है इनका, तो देखो सिक्स्थ का आंसर क्या होगा, राजेश्वरी चटर्जी ने क्या किया था, तो इनका देखो सिक्स्थ का है हमारा बी वाला आंसर है ना। सी वॉज द फर्स्ट वुमेन इंजीनियर फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका, मीन्स ये फर्स्ट वुमेन इंजीनियर थी कहाँ से, इंडिया की किस स्टेट से, कर्नाटका स्टेट से। सी डिड पायनियरिंग वर्क ऑन माइक्रोवेविंग इंजीनियरिंग है ना, इन्होंने ये काम किया था। तो जो हमारा सिक्स्थ का आंसर है ये हो गया हमारा क्या, बी वाला पार्ट हमने ये कर दिया। आते हैं सेवेंथ वाले पार्ट पे, सेवेंथ वाला जो पार्ट है इसमें क्या लिखा हुआ है, शुभा तोले है ना, शुभा तोले। तो सेवेंथ का जो आंसर है इसमें क्या आ जाएगा हमारा, सी वाला पार्ट क्या आ जाएगा, सी वाला पार्ट। तो देखो सी वाले में क्या लिखा हुआ है, सी डिस्कवर्ड अ मास्टर, देखो यहाँ लिखा हुआ है सी डिस्कवर्ड अ मास्टर रेगुलेटर जीन विच कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन्स कॉर्टेक्स हिप्पोकैम्पस एंड एमिग्लेडा। तो ये जो भी इन्होंने किया हो ये थोड़ा सा बायो का है ना, तो शी डिस्कवर्ड मास्टर रेगुलेटेड जीन, इन्होंने कोई मास्टर रेगुलेटेड जीन डिस्कवर किया था जो कि कंट्रोल करता था डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन का ये जो पार्ट है इसको। तो ये सी का हो गया हमारा आंसर, मीन सी आ जाएगा किसमें, सेवेंथ का सी है आंसर, शुभा तोले। इसके बाद आ जाते हैं हम एट्थ वाले पे, जो लास्ट बचा हुआ है हमारा। तो एट्थ वाले में क्या आ जाएगा, जो बचा हुआ है बेसिकली हम इसको थोड़ा सा रीड करते हैं, जानकी अम्माल है ना, जानकी अम्मल इनने क्या किया था, सी वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू हैव रिसीव पद्मश्री अवार्ड इन 1977। ये पहली इंडियन वुमेन थी, वुमेन साइंटिस्ट थी, इंडियन वुमेन साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार पद्मश्री अवार्ड रिसीव किया था है ना, पहली वुमेन साइंटिस्ट थी इंडिया की इन 1977। हर मोस्ट रिनोड वर्क इज ऑन सुगरकेन एंड ब्रिंजल है ना, इनका जो ज्यादातर जो काम था वो किस पर हुआ था, सुगरकेन और ब्रिंजल पे। तो जो हमारा एट्थ का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा क्या, ई वाला पार्ट इसका, ठीक है। तो एट्थ का भी हो गया हमारा कंप्लीट, एट्थ चैप्टर भी हो गया हमारा इस तरीके से क्या, कंप्लीट। और एट्थ चैप्टर था हमारा यूनिट टू का लास्ट चैप्टर, तो यूनिट टू भी हमारी क्या हो गई, कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम यूनिट थ्री हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।